आज हम बेसन की सब्जी बनाने जा रहे हैं। जिसके लिए हम 1 कप बेसन लेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से घोल लिए हैं। अब हमारा तवा गरम हो चुका है, इस पे तेल लगा दिए हैं। अब हम इस पे बैटर डालेंगे। अबे एक तरफ सिक चुका है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे ही सारा चीला बना लेंगे। टमाटर, मिर्चा, अदरक इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 दालचीनी डाल देंगे, 5 फोरन डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। टमाटर, मिर्चा, अदरक पीस के रखे हैं उसको डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। एक चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब मसाला भून गया है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको ढक के उबालेंगे। जब तक 1 उबाल आएगा तब तक हम बेसन का जो चीला बना के रखे हैं उसको काट लेंगे। अब हम इसको काट लिए हैं, अब ये उबल रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी में। अब हम इसको 5 मिनट मीडियम गैस पे पकाएंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिए। अब हमारी सब्जी बन गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमारी बेसन की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।